गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट किया जाए। यस, चलो तो एक बात बताओ, लास्ट में मैंने कहाँ तक करा दिया था? लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक कंप्लीट करा दिया था? पायल, पायल तुम ग्रुप में ऐड हो गए हो, फिजिक्स के ग्रुप में। बोलो पायल, क्या तुम फिजिक्स के ग्रुप में ऐड हो? नहीं, कब ज्वाइन की है उस श्रावणी बताओ? श्रावणी और पायल, तुम दोनों ने कब ज्वाइन किया है मुझे सिर्फ डेट बता दो। श्रावणी और पायल, तुम दोनों ने कब ज्वाइन किया है? सैटरडे को। हाँ, तुम्हें 2 दिन के नोट्स लिखने पड़ेंगे, 2 से 3 दिन के नोट्स बाकी है तुम लोगों के। ठीक है, तो वो तुम्हें कोई भी मैं बोल देता हूँ, ग्रुप में डाल देगा। तुमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तुम लोगों ने सभी ने फिजिक्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। बोलो क्या सभी ने फिजिक्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? चलो, यदि फिजिक्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, हाँ, तो कोई भी एक फिजिक्स के ग्रुप में आज तक जो भी कराया था सैटरडे था वो डाल देगा नोट। बोलो कोई भी एक फिजिक्स के ग्रुप में नोट्स डाल देना, ठीक है, जो सैटरडे तक कराया है। चलो ठीक है, फायर मिल जाएगा तुम्हें नोट्स, ठीक है, भेज दो। चलो तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में सीखा था। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने किसके बारे में सीखा था? डायमेंशन के बारे में सीखा था कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन आर द पावर टू वेज ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज। डायमेंशन आर द पावर टू वेज ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? वहां तक हम लोगों ने सीखा था और हम लोगों ने बहुत सारी डायमेंशन भी फाइंड आउट की थी।
हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशन भी फाइंड आउट की थी। बोलो क्लियर। चल अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी, डाइमेंशनल एनालिसिस। डाइमेंशनल एनालिसिस डाइमेंशनल एनालिसिस बोलो क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, डाइमेंशनल एनालिसिस। और इसमें लिखना देयर आर वेरियस वेज, देयर आर वेरियस वेज वेज इन वेज In which, we can use the dimension of a physical quantity, the dimension of a physical quantity, dimension of a physical quantity. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां पर हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं वो ध्यान से देखना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। जिन तरीकों से हम उन्हें यूज कर पाते हैं वो उनके क्या बन गए, एप्लीकेशन। तो हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डाइमेंशनल एनालिसिस। कौन कौन सा एप्लीकेशन होगा डाइमेंशनल एनालिसिस का? पहला जो एप्लीकेशन होता है वो कौन सा होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला एप्लीकेशन कौन सा होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा रहता है, दूसरा क्या रहता है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या रहता है, थर्ड पॉइंट रहता है हमारा फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। आज सभी को ग्रुप में होमवर्क आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं आज सभी को ग्रुप में एक होमवर्क आएगा। और फोर्थ स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन between different physical quantity, between different physical quantity, physical आज सभी को ग्रुप में एक होमवर्क आएगा, वो सभी को सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को? सभी को होमवर्क आएगा, वो ग्रुप में सॉल्व करके सेंड भी करना है। 25 टू 30 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इजी इजी, लेकिन सभी को सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेट 1 आवर लग जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट करो सभी, सभी ये नोट करो
सभी ये नोट करो। सभी ये नोट करो। हाँ, नोटबुक तो बनाना पड़ेगा, ग्रुप में सेंड करना है सभी को। सभी को ग्रुप में सेंड करना है। मैं होमवर्क डाल दूंगा, ठीक है? सभी फिर उसे ग्रुप में सेंड कर देना सॉल्व करके। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो, सभी सभी नोट करो। हो गया सभी का नोट? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो अब हम डिस्कस करते हैं, लाइन से हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला पॉइंट कौन सा डिस्कस करते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझ, सपोज करना क्या होता है कि सपोज करो मुझे एक जगह गिवन है कि जी इज इक्वल टू, मुझे गिवन है 10 जूल। मुझे एनर्जी क्या गिवन है? 10 जूल। क्या जूल इसका ऐसा यूनिट होता है? बोलो, जूल इसका कौन सा यूनिट होता है? एसआई, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ एमकेएस यूनिट। जूल इसका क्या होता है? एसआई यूनिट। बोलो, क्लियर है? अब मुझे बोल दिया कि इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें? सीजीएस में। किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस सिस्टम में। एसआई या एमकेएस सिस्टम से मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस सिस्टम में। तो एक बात बताना, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि तुमने 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया है, तो क्या उस 10 जूल का जो इफेक्ट होगा, क्या वो हमेशा सेम रहेगा? बोलो, उस 10 जूल का जो इफेक्ट रहेगा, क्या वो हमेशा सेम रहेगा? बताओ सभी। सिस्टम चाहे तुम कोई सा भी कन्वर्ट कर लो, लेकिन यदि तुम्हें 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड की गई, क्या उसका इफेक्ट तो हर सिस्टम के लिए सेम है? उसका इफेक्ट तो हर सिस्टम के लिए क्या है? सेम। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या वो हर सिस्टम में सेम इफेक्ट रखेगी? वो हर सिस्टम में क्या रखेगी? सेम इफेक्ट रखेगी। तो उससे सिंपल मीनिंग क्या होता है कि व्हेन वी कन्वर्ट When we convert, when we convert an unit from one system to another, then unit change, comma numerical value change, but the effect of that physical quantity, effect of that physical quantity does not change. Physical quantity does not change. Does not change. बोलो, बात क्लियर है सभी को? हम चाहे कितने भी सिस्टम कन्वर्ट कर लें,
उस क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो एक जनरली फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन यू। फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन यू। तो यदि मैं लिखता हूं फोर सिस्टम वन, क्या क्यू इज इक्वल टू आ सकता है एन वन यू वन? बोलो, क्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है? एन वन यू वन। यू वन क्या है? यूनिट इन सिस्टम वन, यूनिट इन सिस्टम वन। और क्यू वन क्या है, एन वन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम वन। बोलो क्लियर है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम वन, इन सिस्टम वन। बोलो क्लियर? बताओ सभी को क्लियर है? N1 U1 का मतलब हमने जो सिस्टम पहला सपोज किया है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू N1, उसमें यूनिट U1, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी तो क्या रहेगी? Q। बोलो क्लियर है? चलो अब ऐसे ही यदि मैं सपोज करता हूं फोर सिस्टम टू, यदि हम दूसरा सिस्टम लेते हैं, दूसरे सिस्टम में भी जब मैं लिखूंगा तो क्या मैं यही लिखूंगा क्यू इज इक्वल टू एन यू टू? क्यू इज इक्वल टू एन टू यू टू। यू टू क्या है? यूनिट इन सिस्टम टू, यूनिट इन सिस्टम टू, यूनिट इन सिस्टम टू। और एन टू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम टू। बोलो क्लियर? न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम टू। बोलो क्लियर है? तो एक बात बताना, जब फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू? बोलो, जब वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो क्या मैं ये टर्म भी लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू? बोलो क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? बोलो क्लियर? आप ध्यान से सुनना, मैंने यदि लिखा तो एक बात बताओ, मैं तो भी सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं 1 kg, 1 kg। क्या 1 kg यदि मैं लिखता हूं एस आई सिस्टम में, यदि मैं 1 kg किसमें लिख रहा हूं, एस आई या एमकेएस सिस्टम में, तो क्या यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या वो 1 आएगा? और यूनिट क्या आ रहा है? केजी। यूनिट क्या है? केजी। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? 1 kg लिखा एस आई सिस्टम में, तो एन वन कितना आ गया? 1। और यूनिट कितना आ गया? केजी। ये तो किसमें? एस आई में। अब यदि इसी को सीजीएस में लिखोगे तो क्या सीजीएस में इसी को लिखना पड़ता है 1000 ग्राम? सीजीएस में इसी का लिखना पड़ता है 1000 ग्राम। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इस बार हो गया 1000? बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या हो गया 1000, और क्या यूनिट हो गया ग्राम? यूनिट क्या हो गया? ग्राम। क्या दोनों का इफेक्ट अभी भी सेम है? बोलो, कहीं पर भी जाओ 1 kg ले लो या फिर 1000 ग्राम, क्या दोनों का हमेशा इफेक्ट सेम ही रहेगा? बोलो क्लियर है सभी को? अब इसमें एक और पॉइंट लिखना सभी, अभी लिखना मत, मैं पूरा एक साथ नोट कर लेना, समझ लो बस। व्हेन वी कन्वर्ट यूनिट
when we convert unit from one system to another, from one system to another change, one system to another system change, to another system change, but the dimension of physical quantity does not change, but the dimension of physical quantity does not change. Dimension of physical quantity does not change. बोलो clear है? Quantity does not change. Does not change. ये बात याद रखना, हम चाहे कितने भी सिस्टम कन्वर्ट कर लें, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज हो सकता है, लेकिन डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है? कैसे? क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है यूनिट केजी? यहाँ पर रिप्रेजेंट यूनिट क्या हो रहा है? केजी। क्या इसका डायमेंशन जो आएगा वो एम वन आएगा? बोलो, मास का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा? एम वन। यहाँ पर भी ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। क्या यहाँ पर भी जो डायमेंशन आएगा वो एम वन ही आएगा? बोलो, क्या दोनों जगह डायमेंशन सेम आ रहा है? दोनों जगह डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को जब कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन डायमेंशन हमेशा क्या रहता है? सेम। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? चलो अब प्रॉपर नोट कर लो सभी, अब स्टार्ट से नोट कर लो सभी, अब यहां से नोट करो सभी। सभी यहां से नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया है? हो गया? बोलो, नोट कर लिया? चलो अब ये एग्जाम्पल वाला लास्ट में लिखना, ये एग्जाम्पल है इसको लास्ट में लिखना, सबसे बेसिक जो एग्जांपल है इसको लास्ट में नोट करना, उससे पहले ये सब कुछ नोट करना जो गिवन है, ठीक है? तुम्हें पॉइंट क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से।
सभी नोट करो। सर स्टेटमेंट क्या लिखा है? स्टेटमेंट है व्हेन वी कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, व्हेन वी कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, द यूनिट चेंज, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज। इसको पूरा लिख लेना, मैंने वो थोड़ा सा छूट गया, ये लिख लो। व्हेन वी कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चेंज, द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चेंज बट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, बट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। ये लिखो पूरा स्टेटमेंट। क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है सभी को? When we convert the unit from one system to another system, the unit of a physical quantity change, but the dimension of physical quantity does not change. आगे बढ़े, बोलो। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नोट कर लिया ना सभी ने? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नहीं किया है? एक मिनट करो जल्दी उद्यान। नोट करो, ध्यान नोट करो। कर लिया? चलो ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल लिखते हैं अब, एग्जाम्पल सॉल्व। एग्जाम्पल देखना, पहले वाला ही एग्जाम्पल लेता हूं। वाला कन्वर्ट ई इक्वल टू 10 जूल। जूल कौन सा यूनिट है? एम के एस। एम के एस इंटू सी जी एस सिस्टम। सी जी एस सिस्टम, बोलो क्लियर? कन्वर्ट ई इज इक्वल टू 10 जूल फ्रॉम एम के एस टू सी जी एस सिस्टम। बोलो क्लियर है सभी को क्वेश्चन? हमें एनर्जी को किससे किस में कन्वर्ट करना है? एम के एस से सी जी एस। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी
क्या डायमेंशन ऑफ एनर्जी होता है L2 T-2? बोलो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, M1 L2 T-2? बोलो क्लियर है सभी को, बताओ क्या सभी को एनर्जी का डायमेंशन क्लियर, M1 L2 T-2? ठीक है, अब यदि मैं यहां से लिखता हूं यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस, जो जूल है, यदि उसे सही से लिखोगे तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस, एमकेएस में क्या होगा, ये होगा एम की जगह पर केजी, केजी की पावर कितनी, 1। मास को किसमें मेजर करते हैं, केजी में, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर, तो मीटर की पावर 2, और टाइम को मेजर किसमें करते हैं, सेकंड, तो सेकंड की पावर -2। बोलो क्लियर है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन एमकेएस। ऐसे ही नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस, यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस, इन सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में मास को किसमें मेजर करते हैं, ग्राम, तो ग्राम का पावर 1, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 2, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड, क्या सेकंड की पावर -2? बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर। अब इन एमकेएस, इन एमकेएस क्या जो हमें N1 का वैल्यू गिवन है, क्या वो N1 का वैल्यू है, 10, N1 का वैल्यू क्या है, 10, और क्या इन सीजीएस हमें N का वैल्यू पता नहीं है, बोलो इन सीजीएस में हमें N का वैल्यू पता नहीं है, क्या बात, क्लियर, बोलो। लेकिन क्या मैं लिख सकता हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या वो तो सेम ही रहेगी, बोलो क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो क्या रहेगी, सेम, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो N1 कितना, 10, U1 कितना, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बोलो क्लियर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2, नहीं पता है, यूनिट ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बोलो क्लियर है सभी को। अब यहां से देखना, क्या मैं ये लिख सकता हूं 10 और 1 kg में कितना ग्राम होता है, क्या 1 kg में होता है 10^3 ग्राम, बोलो 1 kg में कितना होता है, 10^3 इंटू 1 मीटर, क्या 1 मीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 100, कितना होता है 10^2 सेंटीमीटर, क्या उसका भी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या है सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बोलो क्लियर। अब यदि तुम यहां से कंपेयर करोगे तो ये क्या आ रहा है, 10 × 10^3 इंटू 10^4, 10^4 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्या यहां से तुम्हें N2 का वैल्यू मिल गया, दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो N2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 10^8, बोलो क्लियर है, बताओ क्या है सभी को क्लियर, बताओ क्या ये सभी को क्लियर है, जयदीप, पायल, श्रावणी, तनीषा, चेतन, क्लियर,
ऋषिकेश रवनी क्लियर, ओके चलो। चलो अब इसे नोट करो, सभी से नोट करना आप, सभी नोट करो। सभी इसे नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो जल्दी। यस नोट करो। कर लिया नोट? यस बोलो, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट पेज नोट करो, नेक्स्ट पेज नोट करो। सभी नोट करो जल्दी। कर लिया नोट सभी ने? क्या सभी ने नोट कर लिया? ऋषिकेश तुमने तो पहले भी नोट कर रखा है ना? ऋषिकेश तुमने तो पहले भी नोट कर रखा है। कर लिया नोट? बोलो क्या नोट कर लिया है सभी ने? चलो अब अगला, तो मैं इसमें एक दो चीजें और बता देता हूँ जो छोटी छोटी इम्पोर्टेंट है। यदि हमने बात किया एन के बारे में, हमने किसके बारे में बोला? एनर्जी का यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम, बोलो क्या आया था? यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस, इन सीजीएस ये आया था हमारा कितना? बोलो, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बोलो यही आया था। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई अर्ग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ग। बोलो क्लियर रहेगा? यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम में या तो उसे हम क्या बोलते हैं?
ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर उसे क्या बोलते देते हैं, अर्थ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 10^7 अर्थ। ये रिजल्ट याद रखना सभी, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 10^7 अर्थ। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को? चल ठीक है, नोट करो सभी, सभी नोट करो। और ये नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन लिखना, कन्वर्ट कन्वर्ट 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, जो न्यूटन उसका यूनिट किसका है, एम के एस। कन्वर्ट एफ इज इक्वल टू 8 न्यूटन फ्रॉम एम के एस सिस्टम टू CGS सिस्टम। 8 न्यूटन को हमें एम के एस सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? चलो सभी आंसर बताओ इसका, सभी इसका आंसर बताओ। सभी इसका आंसर बताओ। श्री उद्यान आंसर गलत है। मैंने क्या बताया था, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, जो 10^7 तुमने 7 लिखा है वो एनर्जी के केस में आता है। तो तुम्हें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी किया था, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। वहां से तुम्हें उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, डायमेंशन लिखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा। सभी लोग सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो। सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताओ। सभी आंसर बताओ। बताओ सभी आंसर, अभी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, सभी लोग आंसर बताओ। और जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए 2 मिनट और है अभी, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए 2 मिनट हैं अभी, सॉल्व करके सही आंसर आना चाहिए। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए अभी 2 मिनट हैं, आंसर जल्दी भेजो। बताओ सभी आंसर।
एक मिनट और है, जल्दी बताओ। जदीद सही है। बताओ सभी आंसर। चलो देखो आप सभी, मैं बताता हूँ और इसका आंसर, ठीक है? सभी का हो गया टाइम फिनिश। अब ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू क्या भी बना है, 8 न्यूटन। तो पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स तुम्हें पता होना चाहिए, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है m1 L1T-2। बोलो क्लियर है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है? m1 L1T-2। क्लियर? अब यदि ये फॉर्मूला होता है तो ध्यान से देखना, यूनिट इन एम्पीयर, यूनिट इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में यूनिट क्या होगा? एम की जगह पर आएगा केजी, उसकी पावर 1। एल की जगह पर आएगा मीटर, उसकी भी पावर 1। और टाइम की जगह पर क्या आएगा? सेकंड, उसकी पावर -2। बोलो क्लियर है? ऐसे ही क्या लिखोगे? यूनिट इन सीजीएस, यूनिट इन सीजीएस। सीजीएस में यूनिट होगा ग्राम, मास की जगह पर कौन? ग्राम। लेंथ की जगह पर कौन? सेंटीमीटर। और टाइम की जगह पर कौन? सेकंड। बोलो क्लियर है? और तुम्हें क्या गिवन है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन एमकेएस, न्यूमेरिकल वैल्यू इन एमकेएस, वो कितनी गिवन है? 8। और N2 का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है। बोलो क्लियर सभी को? बताओ, जहां तक यदि क्लियर है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा, यदि यहां तक क्लियर नहीं है तो आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो अब हम क्या लिखते हैं? N1U1 इज इक्वल टू N2U। हम लोग क्या लिखते हैं? N1U1 इज इक्वल टू U2। तो N1 का वैल्यू कितना है? 8। N1 का वैल्यू क्या है? 8। इंटू U1 कितना? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। -2 है तो डिवाइड में चला जाएगा, क्या बन गया? सेकेंड स्क्वायर। N2 का वैल्यू नहीं पता है, ये क्या आ गया? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या करो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 8 × 10^3 ग्राम। और मीटर को किस में कन्वर्ट कर लो? सेंटीमीटर में। तो 10^2 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? बताओ क्लियर सभी को? तो यहां से देखना, ग्राम आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ गया 8 × 10^5 इज इक्वल टू N2। बोलो क्लियर है? N2 का वैल्यू कितना आ गया? 8 × 10^5। और याद रखना हमेशा, इन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइन। हम लोग क्या बोलते हैं? डाइन। और 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 10^5 डाइन। डायन मत समझना कोई भी, डाइन समझना, डाइन, ठीक है? क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर? चलो, जिसने नोट नहीं किया है वो जल्दी से नोट करो, जिसने नोट नहीं किया है वो जल्दी से नोट करो, जिसने नोट नहीं किया है वो जल्दी से नोट करो।
बोलो, नोट कर लिया? बताओ, नोट कर लिया सभी ने? मुझे अभी भी क्लास में तुम सब एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हो। अभी भी जितने प्रेजेंट है उतने एक्टिव नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 60% एक्टिव है, 40% अभी भी इनएक्टिव है। 60% एक्टिव है, 40% अभी भी इनएक्टिव है। मैं नाम बता देता हूँ, आकाश, आकाश तुम एक्टिव नहीं हो, ठीक है? अनुष्का, आकाश, अनुष्का थोड़े से एक्टिव बनो, ज्यादा फायदा रहेगा। क्लियर है? नहीं, तुम प्रेजेंट हो लेकिन एक्टिव नहीं हो क्लास में। प्रीवियस पेज सुमित, यहीं से तो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। सुमित, यहीं से तो मैंने क्वेश्चन लिखाया है। नेक्स्ट पेज बोल सकते हो, प्रीवियस पेज क्यों? चलो नेक्स्ट पेज नोट करो। बोलना चाहिए था तुम्हें। फिर ये अभी ये पेज लिख लो, फिर मैं प्रीवियस दिखा दूंगा, ठीक है? अभी सभी ये पेज लो जिन्होंने नहीं किया है। चलो नोट करो जल्दी। सभी नोट करो। फिर तुम लोगों की केमिस्ट्री क्लास कब से है? तुम लोगों की केमिस्ट्री क्लास कब से है? 11:10 से है ना? बोलो। ओके, 11:10 से है, ठीक है? नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, यदि नोट कर लिया है, मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है उन सब से, लेकिन मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सभी को समझ में आ रहा है? बोलो, क्या सभी को समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई परेशानी चल रही है फिजिक्स में? बोलो, कहीं पर किसी को फिजिक्स में कोई परेशानी है, कोई भी डाउट है? बोलो, अभी तक जो पढ़ाया है वो क्लियर है सभी को? बताओ, अभी तक जो पढ़ाया हुआ है क्या वो क्लियर है सभी को? चलो, जेई वाले कितने लोग हैं? पहले जेई वाले जो भी हैं वो अपना जेई लिख देना। एक बार जेई वाले सभी लोग अपना जेई लिखो। 1, 2, जेई वाले सभी लोग अपना जेई लिखो एक बार, ताकि मुझे काउंट क्लियर हो जाए। हाँ, ये कर सकता हूँ, मुझे नंबर काउंटिंग में थोड़ा सा होगा। खोल ले लेता हूँ।
नीट एंड डेल। चलो सभी इस पर क्लिक करना, सभी इस पर क्लिक करना, नेट और जेई पर सभी लोग क्लिक करते जाओ। नेट और जेई पर मुझे एक बार में क्लियर हो जाएगा। बोलो सभी इस पर क्लिक करो, नेट और जेई पर सभी क्लिक करो, सभी को आंसर देना है, सभी को। मुझे लग नहीं रहा तुम सभी ने आंसर दिया है। सभी नीट और जेई वाले पर क्लिक करो, जिसका जेई है वो जेई और जिसका नीट है वो नीट पर। अभी 10 से कितने कम लोगों ने दिया है अभी तक? सिर्फ 36 लोगों ने इस पर क्लिक किया है। सिर्फ 36 लोगों ने क्लिक किया है। टोटल 42 सबमिट आया है, 47 में से 42 सबमिट आया है। चलो ठीक है, हो गया क्या ये? नोट कर लिया? बोलो क्या ये नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो सभी। कन्वर्ट सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। कन्वर्ट एट पॉइस, ईटा इज इक्वल टू एट पॉइस, ईटा इज इक्वल टू एट पॉइस, एट पॉइस, और पॉइस किसका है? कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, इनटू पॉइजुली, पी ओ आई एस यू डबल एल आई ई, जो कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या है? एमकेएस यूनिट है। और ईटा क्या है? कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या सभी को इसका डायमेंशन पता है? ये मैंने सैटरडे को क्लास में कराया था, ये मैंने सैटरडे को क्लास में कराया है इसका डायमेंशन। श्रावणी कराया है क्या? इसका डायमेंशन मैंने लिखाया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। बोलो क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैंने सैटरडे को डायमेंशन लिखाया था? बताओ सभी। इसने नहीं लिखा को डायमेंशन ऑफ ईटा होता है एम वन एल वन टी माइनस वन, एल माइनस वन टी माइनस वन। अब आंसर बताओ, अब सभी इसका आंसर बताओ। कन्वर्ट ईटा इज इक्वल टू एट पॉइंट फ्रॉम सीजीएस यूनिट इनटू एमकेएस यूनिट, और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है। ठीक है बताओ सभी।
तभी इसका आंसर बना। अक्षता, तुम्हारा आंसर पहली बार आया, पिछली बार आंसर नहीं दिया था तुमने। साहिल का भी आंसर आया है। और बताओ, बाकी सभी बताओ। ओके, तो मैंने देखा नहीं होगा। चलो सही है, तो सभी बताओ इसका आंसर। सभी इसका आंसर बताओ। सही गलत है तुम्हारा आंसर भाई, तुम्हारा आंसर गलत है। डायमेंशन एक बार सही से देखो ना, तुमने गलती वही की है, तुमने डायमेंशन सही से नहीं देखा। चलो बहुत अच्छा, जिनका आंसर पॉइंटेड आया है बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या गिवन है। ईटा इज इक्वल टू 8 बाई, और वो उसका क्या गिवन है, सीजीएस यूनिट। तो यदि तुम्हें डायमेंशन पता है ईटा का, तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या होगा, एम की जगह केजी। सीजीएस में क्या लिखा हुआ है, एम की जगह ग्राम इंटू एल की जगह सेंटीमीटर, उसकी पावर -1 अपॉन सेकेंड। सेकेंड की पावर -1 को मैंने क्या लिख दिया, सेकेंड। इसको लिख सकते हो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। बोलो क्लियर। अब यूनिट इन एमकेएस, नेक्स्ट क्या लिखोगे, यूनिट इन एमकेएस। तो यूनिट इन एमकेएस क्या आएगा, एम की जगह पर तो केजी, लेंथ की जगह पर मीटर, और क्या टाइम की जगह पर सेकंड। बोलो क्लियर, बताओ क्लियर है सभी को। तो अब हम क्या लिखते हैं, N1U1 = N2U2, N1U1 = N2U2। तो N1U1 = N2U2, N1 कितना 8, U1 क्या, U है उसका ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। एन टू हमें नहीं पता है, इंटू यू टू कितना, के जी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। बोलो क्लियर है। तो यहां से यदि देखोगे तो ये क्या आ रहा है, 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ऐसे ही रहने दिया। उधर से क्या आ गया, एन, के जी को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10^3 ग्राम, मीटर को जब कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 10^2 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। तो यहां से आ गया 8 × 10^2 upon 10^3 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड = 10^2 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। बोले
तो ध्यान से देखना दोनों जगह तो क्या हो रहा है सेम, n इक्वल टू कितना आ रहा है 8 × 10^2 / 2 / 10^3, यानी कितना आ गया 8 × 10^-1 यानी 0.8। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर सभी को। चलो ठीक है, नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? नोट करना सभी, सभी नेक्स्ट पेज करो, सभी नेक्स्ट पेज नोट करो। और हमेशा याद रखना कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का एमकेएस यूनिट होता है पॉइजुली और सीजीएस यूनिट होता है पॉइस। एमकेएस यूनिट क्या होता है? पॉइजुली। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? पॉइस। बोलो क्लियर रहेगा? बताओ या मैं लिखा दूं? ये नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो सभी, सभी अगला क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कन्वर्ट कैपिटल जी जो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू 6.67 × 10^-11। इसका एमकेएस यूनिट होता है न्यूटन इंटो मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। चलो करो सभी, इसे एमकेएस से किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। करके बताओ सभी, करके बताओ, 5 मिनट का टाइम है, सभी इसे सॉल्व करके बताओ, 5 मिनट का टाइम है सभी के पास। बोलो, पांच मिनट का टाइम है सभी के पास, सॉल्व करके बताओ।
ठीक है तन्वी, मैं समझ गया। सभी आंसर बताओ इसका। सभी इसका आंसर बताओ। बताओ सभी। सभी बताओ सभी। चलो देखना, यदि तुम लोगों ने देखा होगा तो मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला लिखाया था डाइमेंशनल। ये होता है m माइनस 1 एवरी t माइनस 2। बोलो यही रहता है। तो यूनिट इन एम के एस क्या एम के एस में यूनिट होगा मीटर की परी अपॉन केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर। और ऐसे क्या लिखोगे, यूनिट इन सीजीएस में इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर की पावर 3 अपॉन केजी की जगह ग्राम और टाइम की जगह सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या यही आएगा। इसमें का वैल्यू कितना के बना है, 0.67 × 10⁻²-11। इसमें एन का वैल्यू हमें पता नहीं है तो मैं लिखूंगा n1 = n2 u2। n1 कितना, 6.67 × 10⁻¹ⁱ इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब अपॉन केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो यदि यहाँ तक क्लियर है तो आगे देखना। तो ये क्या आएगा, 6.67 × 10⁻¹₁ इंटू मीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर करूंगा तो 10⁻²³ सेंटीमीटर की पावर 3 अपॉन 10⁻³ ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। दोनों साइड यदि कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आ रहा है 10⁻⁶ और ये 3, तो ओवरऑल इस तरह से आ रहा है 6.67 × 10⁻¹₁ इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या आ गया, एन का वैल्यू आ गया 6.67 × 10⁻¹⁸। बोलो क्लियर।
बताओ क्लियर है सभी को? चल नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट सभी ने? बोलो क्या सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? चल नेक्स्ट पेज नोट करो सभी। सभी नेक्स्ट पेज नोट करो। सभी नेक्स्ट पेज नोट करो। सभी नोट करना। फ्यूज कहाँ से एक्सप्लेन करना है? देखो मैंने क्या कहा, ये जी का वैल्यू जो क्या है वो 6.67 इंटू 10^-11, क्या यहाँ पर मीटर था और उसकी पावर कितनी थी? 3। तो मीटर की पावर, मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ता है? 10^2 से मल्टीप्लाई, उसकी भी पावर कितनी होगी? 10^3। नीचे देखो क्या यहाँ पर नीचे केजी था, और 1 kg में कितना होता है? 10^3 ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या 10^6 बनेगा, और ये कितना है? 10^3। क्या 10^6 अपॉन 10^3 क्या 10^3 आता है? बोलो 10^6 अपॉन 10^3 कितना आता है? 10^3। क्या मैंने यहाँ पर वही लिखा है? यहाँ पर यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकंड स्क्वायर। क्या यहाँ पर दोनों सेम है? अब यहाँ पर कितनी है पावर? -11, और यहाँ पर कितनी है? 3। क्या ओवरऑल आंसर आएगा? -8। क्लियर? बोलो। चल नोट कर लिया सभी ने? बताओ क्या सभी ने नोट कर लिया? बताओ। चल ठीक है, तो अब पहला पॉइंट तो खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।